Hark how the bells, sweet silver bells, all seem to say, throw cares away. Christmas is here, bringing good cheer to young and old, meek and the bold. Ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, that is their song. With joyful ring, all caroling, one seems to hear words of good cheer from everywhere, filling the air. Oh, how they pound, raising the sound. Oh, hill and dell, telling their tale. Gaily they ring, while people sing songs of good cheer. Christmas is here, merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. क्या है? है चॉकलेट मिला गिफ्ट? अंकल दिया। अच्छा, तो अभी यहाँ केक ऑर्डर करके गए थे कल, सो वही केक लेने आए हैं। एंड आज का दिन मिला जुला के अच्छा गया, मज़ा किया हमने, सच में मज़ा किया। एंड बैम्बू रेस्टोरेंट में सही में बहुत अच्छा लगा जाके। फिर मॉल में गए, सोचे थे थोड़ा देर रुकेंगे, एक्चुअली मूवी देखने का अचानक प्लान हुआ। पहले से प्लान होता तो ऑनलाइन बुक कर लेते टिकट, बट अचानक सडनली प्लान किया हमने और वहाँ जाके टिकट नहीं मिला। फर्स्ट रो में दो सीट थी तो वो हमें नहीं लेनी थी, इसीलिए बाकी हाउसफुल है। सो कोई बात नहीं, अभी दो दिन बाद आ ही जाएगा, देख लेंगे, या तो हॉटस्टार या Zee5 में तो आ ही जाएगा, तो वही है, तो कोई बात नहीं। बट ये था, थोड़ा हॉल में देखते हैं, बट क्या कर सकता, टिकट नहीं मिला। चलो मिला जुला कर क्रिसमस अच्छा गया हमारा। अभी घर जाएंगे, रेस्ट लेंगे, थक गए हैं सही में, दिन में निकले थे, अभी शाम हो गई है, तो ये यहाँ पे शाम जल्दी यहाँ पे मतलब अंधेरा नहीं होता जल्दी, इसीलिए आपको लग रहा होगा। बट अभी कितना बज रहा है टाइम बताती हूँ देख के, अभी 5 बज रहा है। सो अभी 5 PM एकदम पक्का 5 बज रहा है, तो वही है, अभी घर जाके थोड़ा चाय वाय पीते हैं, फिर केक कट करेंगे। मजे है बाबा, जहाँ जाते हो सब तुम्हें चॉकलेट देता है। हाँ, वहाँ गए थे उधर भी तुमको सांता क्लॉज ने चॉकलेट दिया, यहाँ भी अंकल ने चॉकलेट दिया, हर जगह तुम्हें चॉकलेट मिल जाता है। कितना सारा स्वेटर वेटर लेके निकले थे, कुछ भी नहीं काम आया, फालतू में बोझा कैरी किया है। आज का दिन सही है, मॉल में जाके तो गर्मी लग रहा था, इतना भीड़ था ना, वहाँ पे तो स्वेटर की जरूरत ही नहीं है मॉल में। दारा उठी,
गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, आपका क्रिसमस अच्छा गया हो। कल था क्रिसमस, कल था सैटरडे 25th, आज है संडे, आज है 26th ऑफ दिसंबर एंड ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है एंड आज का दिन भी ख़राब है। पता है बहुत ही ठंड है आज, अभी धूप भी नहीं निकला है, क्लाउडी है। कल का दिन बहुत अच्छा था, कल धूप निकला था, कल तो स्वेटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। दिन में तो गर्मी लग रही थी और जब मॉल में गए थे मॉल में तो और ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि लोग इतने भरे थे ना, भीड़ था इतना, अंदर जाके गर्मी लग रहा था। जो लोग स्वेटर पहने भी थे तो खोल रहे थे कि गर्मी लग रहा है। एंड आज का दिन बहुत ठंडा है, क्लाउडी है, आज का मौसम उतना अच्छा नहीं है, तो जो भी है। एंड बस क्रिसमस तो अच्छे से हमने सेलिब्रेट किया और बस आशा करती हूँ कि 1 जनवरी भी अच्छे से सेलिब्रेट हो न्यू ईयर हमारा। देखते हैं क्या होता है, एज सच कोई प्लान अभी है नहीं तो। और फिर हबी गए हैं अभी बाज़ार एंड बेटू यहाँ बैठ के अभी कार्टून देख रहा है, तो बस अभी मैं भी बैठी हूँ। एक्चुअली बेडशीट वगैरह भी चेंज करूँगी, आज संडे है एंड बैठ के अभी कपड़े सब फोल्ड कर रही थी। कल जो कपड़े धोकर देके गई थी धूप में वो सब कल आके रात, मतलब लेट हो गया था तो फिर और फोल्ड वोल्ड नहीं की, बस उठा के ले आई थी एंड अभी बैठ बैठ के वो सब फोल्ड कर रही हूँ एंड इसके बाद बैक टू बैक सब काम करूँगी। अभी बाज़ार लेके आ जाएंगे तो फिर लंच की तैयारी करूँगी, यही है। एंड ब्रेकफास्ट में तो आपने देखा ही मैंने क्या बनाया था, मटर कचौरी, यही है, मटर कचौरी या पूरी जो भी बोल दीजिए, तो वही है। ठीक है, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। ये है कल शाम का बचा हुआ केक, क्रिसमस वाला, खाओ। सो ये क्रिसमस का केक है कल वाला, अभी थोड़ा खा रहे बीच में। छोटू सा ही केक लाए थे, हाफ के जी वाला, मतलब 500 ग्राम्स वाला। एंड कल शाम को हमने काटा तब हम खाए थे एक एक पीस, फिर नीचे जो दो बच्चे रहते हैं उनको भिजवाया था बाबू के हाथों केक। तो ये केक क्रिसमस भी विश करके आया, केक भी देके आया एंड अभी थोड़ा सा बचा हुआ है हबी के लिए रखा है थोड़ा एंड बाबू और मैं खा रहे हैं। केक खत्म, क्रिसमस का केक। क्रीम मत खाओ, ये क्रीम अच्छा नहीं है। नहीं मुझे क्रीम पसंद है। ये खाओ, इसमें क्रीम है, देखो। नहीं मुझे ये केक खाना है। ये ब्लू कलर मत खाना, ये लो, ये सही है, इसमें देखो क्रीम है, लो फिनिश करो खाके। यहाँ मूली को छील लिया, इसका एक सब्जी बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगती है, उसको घोंटो बोलते हैं शायद। इसको पूरा कद्दूकस करना होगा, जैसे गाजर के हलवा के लिए गाजर को करते हैं वैसे इसको भी कद्दूकस करना है। एंड बहुत ही सिंपल मसाला देके इसको बनाऊंगी, एक फ्राई टाइप का, बहुत अच्छा लगता है खाने में चावल के साथ। तो ये सब्जी अभी ऐसे बनाऊंगी मूली की, एंड जिनको मूली खाना पसंद नहीं है वो अगर ऐसे बना के खाए तो मुझे लगता है ज़रूर खाएंगे, उंगलियां चाट जाएंगे, क्योंकि मुझे भी मूली पसंद नहीं थी। मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी तो मैं खाती थी, मेरी मम्मी नानी सभी ये बनाते हैं, सो घोंटो ही बोलते हैं शायद, बहुत टेस्टी लगता है खाने में ये। बट आज सॉरी टाइम की कमी की वजह से ये रेसिपी शेयर नहीं कर पाई मैं, अगर कभी मौका होगा तो फिर शेयर करूँगी। एंड फ्रेंड्स, मैं अपना आंवले का अचार का रेसिपी डाल ही नहीं पा रही हूँ, टाइम ही नहीं हो रहा है, एक के बाद एक आ जा रहा है इवेंट तो वही पहले डाल दे रही हूँ। सो आंवले का रेसिपी भी अभी तक नहीं डाली अचार का। इसमें ऐसे मुंह से बोल देती हूँ, ऐसे छौंक लगाया जीरा सरसों के तेल में एंड फिर अदरक का पेस्ट एंड ग्रीन चिली पेस्ट मैंने डाला है एंड उसके बाद ये डाला है मूली, ठीक है। एंड अब हल्दी डाला है, थोड़ा जीरा पाउडर डालूंगी और लास्ट में थोड़ा गरम मसाला और घी डालूंगी इसमें जब पक जाएगा, और थोड़ा सा शक्कर, हम बंगालीज पसंद करते हैं थोड़ा मीठा। एंड ये है वड़ी, ये मसूर दाल की वड़ी है, ये भी डाल दूंगी इसमें लास्ट में।
तो ये पहली सब्जी बन गई मेरी, देखिए मूला से इस टाइप का एक सब्जी, ड्राई ड्राई बहुत अच्छा लगता है चावल के साथ खाने में। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। एंड दोपहर को सो गए थे थोड़ा, अभी हबी गए हैं, हबी चाय बना रहे हैं। उनको मैं रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ बना दो, बहुत दिन हो गए आपके हाथ की चाय नहीं पी, तो अदरक वाली अच्छी सी चाय वो बनाने गए हैं। बाबा साउंड थोड़ा कम करो। तो वो चाय बना के लाते हैं तो आपको दिखाती हूँ, चाय पीऊँगी उसके बाद देखा जाएगा क्या काम करती हूँ। अभी ठंड भी बहुत लग रही है आज, अभी शाम मतलब बहुत ठंड लग रही है अभी। आज दिन भी थोड़ा वही था, ठंडा था, चिलिंग था, मतलब धूप भी ठीक से नहीं निकली थी आज। सो अभी तो और ज़्यादा ठंड लग रही है, तो अभी अभी चाय बना के लाते हैं तो दिखाती हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। आज है 27th of December, आज है मंडे। एंड क्या बताओ, सुबह सुबह ही एकदम बैड न्यूज़ मिल गया। बैड न्यूज़ ये कि हमारी छुट्टी कैंसिल हो गई। छुट्टी कैंसिल हो गई इन द सेंस, कमांड से न्यू क्या बोले ऑर्डर आया है कि जो छुट्टी हमारी 9th जैन तक, वो छुट्टी अब बस सेकेंड जैन तक ही है। मतलब वही संडे सेकेंड जैन तक ही छुट्टी है, उसके बाद थर्ड से तो स्कूल स्टार्ट। क्या बताऊँ, दुख हो रहा है सही में। तो वही अब क्या बताऊँ, एक हफ्ता छुट्टी मतलब कैंसिल हो गया पूरा, वरना हम 10th जैन से जाते स्कूल। तो जो भी है सुन के तो अभी से थोड़ा वो लग रहा है, अब क्या बताऊँ। पर उसके बारे में सोच के ये हफ्ता क्यों स्पॉइल करना, बस यही हफ्ता है अब छुट्टी, फिर मंडे से क्लास। चलिए फिर आप लोगों से बाद में बात करूँगी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, आपका वीकेंड अच्छा गया हो। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, अभी आफ्टरनून हो चुका है, 12:30 बज रहे हैं ऑलमोस्ट। मैं नहा चुकी हूँ एंड खाना भी ऑलमोस्ट मेरा बन चुका है। क्या बनाया देखिए, तो ये मैंने मूंग दाल बनाया है, मूंग दाल वो भी करेला दाल के। हम बंगाली जिसको तीता दाल बोलते हैं, ठीक है, हम बंगाली जिसको तीता दाल बोलते हैं, तो तीता दाल नाम में मतलब कड़वा, लेकिन ये कड़वा होता नहीं है एंड बहुत टेस्टी होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो ये बनाया मैंने मूंग दाल का, करेला दाल के दाल। यहाँ पे मैंने बनाया है बाधा गोभी घंटो, मीन्स पत्ता गोभी की सब्जी, वो भी फिश हेड डाल के, मतलब माछेर माथा दिए बाधा गोभी घंटो। ये बंगालीज का फेवरेट, मेरा फेवरेट है एंड बंगाली ऑथेंटिक आइटम है। तो ये अभी भी बन रहा है, इसको अभी थोड़ा और अच्छे से पकाना है, तो अब ढक दूँगी थोड़ा। तो लंच में अभी मूंग दाल मतलब तीता दाल और ये बाधा गोभी घंटो एंड साथ में फ़िश फ्राई करूँगी। फ़िश को मैंने मैरिनेट कर रखा है हल्दी और नमक डाल के, अब इसको बस फ्राई करेंगे गर्मा गर्म खाने से पहले। तो दाल सब्जी एंड फ़िश फ्राई एंड चावल, और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, साथ में शायद मैं एक कच्चा प्याज ले लूँ, सलाद ले सकती हूँ साथ में, मुझे अच्छा लगता है दाल के साथ प्याज वगैरह लेना। तो वही बस, और क्या, और कुछ नहीं चाहिए। और मेरे हबी ज़्यादा से ज़्यादा अचार ले सकते हैं, वो अचार बहुत पसंद करते हैं दाल चावल के साथ। तो ये है, मुझे भी पसंद है बट मैं कभी लेती हूँ कभी नहीं। तो ये है एंड हबी गए हैं नहाने, बेटू नहा चुका है एंड हबी आज भी छुट्टी पे है, आज और कल शायद छुट्टी पे रहेंगे, मंडे एंड ट्यूसडे, उसके बाद शायद ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अभी ये अभी TD से आया ना, तो छुट्टी पे है शायद, इसीलिए इतना दिन मतलब उनको रेस्टिंग टाइम मिल रहा है। वही है, ठीक है, फिर आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। तो अभी शाम को हम आज पी रहे हैं कॉफ़ी, चाय नहीं पियेंगे। एंड ये है झाल मुड़ी, इसमें प्याज है, मिर्च है, फिर ये चनाचूर है, जो हम चनाचूर बोलते हैं, आप फलाफल बोल सकते हो, मिक्सचर डाला है मुड़मुड़े में। एंड यहाँ पे अचार का तेल है,
एंड आप चाहो तो और भी इसमें नींबू का रस, धनिया पत्ता, टमाटो चॉप करके, खीरा चॉप करके भी डाल सकते हो, बहुत कुछ, मूंगफली भी, मूंगफली है इसमें, पापड़ वगैरह भी ऐसे क्रश करके इसमें डाल सकते हैं, जैसे जिसको पसंद है झालमुड़ी, हमें ऐसे पसंद है सिंपल। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ये ब्लॉग यहाँ पे मैं ख़त्म कर रही हूँ, उसके बाद वाला ब्लॉग यहाँ से कंटिन्यू होगा।